किरदार होते हैं, तो अभी जो है द्रौपदी के किरदार में अवतरित हो रहे हैं। और पहले दिन जो किरदार पांडव नृत्य में पहली बार भाग ले रहा हो उसको नृत्य करना सिखाया जाता है। और आज क्योंकि पहला दिन है तो इस वजह से अभी कपड़े वगैरह नहीं पहने हैं सभी लोगों ने, तो एक आध दिन बाद यहाँ पे जितने भी पांडव नृत्य में जितने भी किरदार हैं सभी अपने अपने कपड़े पहनेंगे, अपने जो वस्त्र होते हैं पांडव नृत्य वाले तो वो पहनेंगे। बाकी अभी पहला दिन है तो आज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इन लोगों की हो रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव उषाड़ा गांव से। सुबह के अभी लगभग 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी दिनों बाद हो रही है। और अभी हम लोग अपने घर से गांव वाले घर में आए हुए हैं क्योंकि आज 14 नवंबर से हमारे गांव में जो है पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग अपने गाँव वाला जो घर है वहाँ के चौक की लिपाई करने के लिए आए हुए हैं। तो जितने भी YouTube फैमिली के लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं सभी के लिए मेरा ये आमंत्रण है कि आप लोग पांडव नृत्य देखने के लिए हमारे गांव में ज़रूर आएं। तो चलिए जी, मैं तो अपने काम से आई हूँ गांव में अपने घर के चौक की लिपाई के लिए और मेरी जो देवरानी जेठानी हैं तो वो भी आए हैं। सब लोग हम लोग मिल के ही अपने चौक की लिपाई करेंगे। तो बाकी हमारे घर के ठीक सामने ही पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है और वहाँ पे जो पंच होते हैं गाँव के जितने भी जेंट्स होते हैं उनके द्वारा अभी पूजा की जा रही है। तो अपने काम के साथ साथ आप लोगों को पूजा पाठ भी दिखा देती हूँ। अभी एक तरफ मेरा काम चल रहा है, मैं घर के बगल वाली गौशाला में गोबर के लिए आई हुई हूँ। इस गोबर को हम लोग मिट्टी के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद चौक की लिपाई करेंगे। और दूसरी तरफ जो है घर के ठीक पीछे जो है पांडव नृत्य की जो पूजा होती है शुरुआत होती है वो शुरू हो गई है। और अभी जो है जो पात्र होते हैं 5 पांडव होते हैं वो किस पर अवतरित होते हैं फिर उसके बाद ही पांडव नृत्य शाम से होगा। तो अभी उनको अवतरित किया जा रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा पात्र किस पर अवतरित हो रहा है। अभी 5 पांडवों से पहले गांव के जो रक्षक देवता हैं हमारे भगवान भूतनाथ जी उनको अवतरित किया जा रहा है और इनके कहे अनुसार ही पांडव नृत्य का जो सजावट होती है जो चांदनी हमारे यहाँ पे बोलते हैं तो वो ओढ़ी जाती है, यानी कि टेंट वगैरह ओढ़ा जाता है। और साथ में जो कुलदेवी होती है गांव की तो दोनों एक साथ अवतरित होते हैं और इस तरह से उनकी आज्ञा के अनुसार सारे आगे के कार्यक्रम को बढ़ाया जाता है। तरीके से गांव के कुल देवता और कुल देवी अवतरित होते हैं और उसके बाद ही इस रस की चांदनी इसको बोलते हैं तो इसको ओढ़ा जा रहा है गांव के कुल देवी और कुल देवता के कहने पर।
चलिए जी, गांव के रक्षक देवता और देवी के अवतरित होने के बाद यहाँ पे पांडव नृत्य के किरदार में सबसे पहले अवतरित हुए हैं हनुमान जी। और हनुमान जी जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फल फ्रूट हमेशा बहुत ज़्यादा मांगते हैं खाने के लिए। तो कुछ इस तरह से हनुमान का नृत्य होता है, हनुमान का किरदार होता है हमारे पहाड़ों में पांडव नृत्य में। लगभग 11 बजने को हैं और अभी हमने चौकी लिपाई शुरू नहीं करी है, थोड़ा बहुत सफाई करनी थी वो की। और ऐसे ही गोबर और मिट्टी हम लोग मिक्स करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हैं जो येलो वाला घर है, ये हमारा गांव वाला घर है। और यहाँ ठीक बगल पे ही पांडव नृत्य की तैयारी करी जा रही है। कुछ लोग यहाँ छप्पर बनाया हुआ है, वहाँ पे दिन के खाने की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ गांव के लोगों को जो है बीच सभी लोगों के बीच काम बांटा गया है। तो कुछ लोग चांदनी लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं और कुछ दूसरे गांवों में लगे हुए हैं। अभी एक तरफ गांव के जेंट्स लोग सारे मिलके पांडव नृत्य की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग अपने चौक की लिपाई कर रहे हैं, मैं और मेरी देवरानी। बाकी जो जेठानी जी हैं वो अपने कमरे में अंदर लिपाई कर रही हैं। अभी दिन के 1:30 बज गए हैं और हम लोगों ने भी चौकी लिपाई कंप्लीट कर ली है और दूसरी तरफ पांडव नृत्य का जो आयोजन हो रहा है उसकी तैयारी भी हो ही रही है। और साथ में सुबह जो है सिर्फ कुलदेवी और कुलदेवता को ही प्रकट किया गया था, वही अवतरित हुए थे, तो उनके कहे अनुसार ही पांडव नृत्य का जो शुभारंभ होता है वो होता है। और अभी जो है जो 5 पांडव होते हैं और 7 के जितने भी किरदार होते हैं तो उनको अवतरित किया जाना है और इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। सुबह मुझे लगा था कि सुबह ये वाला कार्यक्रम होगा लेकिन अभी ये वाला कार्यक्रम हो रहा है और हम लोगों ने अभी जो है लंच में नहीं किया है, तो देखते हैं आज का लंच कितने देर में होता है। तो अभी ये रहा हमारा गांव वाला घर जिसके हमने अभी चौक की लिपाई करी है। बाकी इस साइड आप लोग देख सकते हैं गांव के सारे जेंट्स बैठे हुए हैं और यहां पे अभी जो है पांडव जो 5 पांडव हैं और 7 के जितने भी किरदार होते हैं उनको ढोल दमाओं और वाद्य यंत्र के साथ उनको मंत्र उच्चारण के साथ उनको अवतरित किया जा रहा है। We'll be right back.
मतलब निर्धका जितने भी किरदार होते हैं, तो अभी जो है द्रौपदी के किरदार में अवतरित हो रहे हैं। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पांडव नृत्य के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।